कर्ज के बोझ तले दबे बीएसएफ जवान ने अपने ही मौत का ड्रामा रच डाला। हिमाचल में आए अपनी तरह के ऐसे पहले मामले से लोग हैरान हैं। हालांकि आरोपी खुद भी बीएसएफ जवान हैं और पत्नी हिमाचल पुलिस में कार्यरत हैं, फिर भी आरोपी ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ऐसा ड्रामा रचा जो कि समझ से परे है। कांगड़ा जिला के नूरपुर क्षेत्र के गेही लगोड़ के बीएसएफ जवान अमित राणा ने अपनी मौत की थ्योरी को सच साबित करने के लिए कहीं से हड्डी लाकर गाड़ी में रख दी और चंबा जोत मार्ग पर गाड़ी पर तेल, डीजल या पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हड्डी किसी मानव की है या जानवर की, यह फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो पाएगा। पुलिस ने हड्डी जाँच को भेजी है, इस बारे में क्या बोले एसपी चंबा अभिषेक यादव, सुने विस्तार से। जो बॉडी के रिमेन्स हमें गाड़ी में मिले थे उसमें जो एक प्रोमिनेंट चीज़ जो हमें मिली थी वो एक हड्डी का टुकड़ा था और जिसको हमने एफएसएल भेजा हुआ है जांच के लिए। हमने जब आरोपी से इस बारे में पूछताछ की तो उसने हमें ये बताया कि उसने कहीं से हड्डी का टुकड़ा उठाया था, कहीं से स्केलेटन का कोई रिमेन या मानव या जानवर, वो अभी जाँच का विषय है, लेकिन इसने हड्डी का टुकड़ा या हड्डी के कुछ टुकड़े उठाकर गाड़ी में रखे थे और उसमें आग लगाई थी। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।